मटन रोगन जोश की रेसिपी बनाएंगे आज हम एकदम कश्मीरी स्टाइल में। इस रेसिपी को बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और मसाले इस रेसिपी में काफी कम पड़ते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम पहले रख देंगे एक पैन मीडियम फ्लेम पर। ओरिजिनल रेसिपी को बनाया जाता है राई के तेल में। अगर आप राई का तेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो दूसरा कोई कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो कढ़ाई में डाल देते हैं 1/2 कप तेल। तेल को पहले हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पर, फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पर रख लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा, 5 से 6 डालते हैं हरी इलायची, 1/2 चम्मच डालते हैं काली मिर्च, 4 से 5 लौंग डालेंगे, 1 टुकड़ा डाल देते हैं दालचीनी का। थोड़े से ये खड़े मसाले फ्राई हो जाएं, तब हम इसमें डाल देंगे 750 ग्राम मटन के पीसेस। नल्ली के 1-2 पीसेस अगर आप डाल देंगे मटन के पीसेस में तो ये रेसिपी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मटन डालने के बाद हम तेल में मटन को फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर रखकर हमें मटन को फ्राई कर लेना है। जब मटन को हम पकाएंगे तो मटन का काफी पानी छूटेगा, इसे हमें हाई फ्लेम पर रखना है और अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक मटन का सारा पानी सूख न जाए। अब देख सकते हैं मटन का पानी सारा सूख गया है। जो तेल हमने रेसिपी में यूज किया है ये सारा सेपरेट हो गया है। इसमें अब डाल देते हैं 3 चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक की पेस्ट की जगह आप सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं या अदरक का पाउडर डाल सकते हैं। अब डाल देते हैं 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सौंफ का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। हींग डाल लेते हैं 1/2 चम्मच। फिर से हमें हाई फ्लेम पर इस मटन को मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। मसाले का कच्चापन चला जाए तब तक हम इस मटन को पका लेंगे। इसे पकाने के लिए बस 2 से 3 मिनट लगेगा। 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप फेंटा हुआ दही। तीखी वाली लाल मिर्च है जिसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं, इसे बीच में से तोड़कर इस तरह से डाल देंगे। 2 से 3 तीखी मिर्च डालना है यहाँ पर। अच्छी तरह से इसे चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही रेसिपी में डाला हुआ सारा तेल सेपरेट हो जाए, आप देख सकते हैं ये सारा तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसे पका लेंगे 30 से 35 मिनट के लिए ढककर। ढक्कन को हटा लेते हैं। मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हमें डाल देना है 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। एक फाइनल मिक्स दे देते हैं और इसे बस अब 2 से 3 मिनट तक हम पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम ऑफ कर देंगे। कश्मीरी मटन रोगन जोश की रेसिपी रेडी है। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार रेसिपी बनती है ये। जरूर ट्राई करें इसे और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।